तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रगान, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न होती है। तो नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन नेशनल एंथम है हमारे देश का, और जो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम। ये चीज़ आप क्लियर कर लें। और दूसरी, इस वीडियो में स्पेशली मैं जनगण मन के बारे में बताने वाला हूँ कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है और वो कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था, किसने लिखा था, किसने गाया था और क्यों गाया गया था, और इसको जो है संविधान में कब लागू किया गया। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ उसका धर्म और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको पहले से क्लियर कर दूँ ये बात, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर हिंदुस्तानी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल एंथम के लिए, तो वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और इस पर जो भी जानकारी मैं बताने वाला हूँ चाहें तो आप नोट डाउन भी कर लें, पेन और एक नोटबुक लेके रख लें, इसलिए कि गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। बाकी अगर आपको भी नेशनल एंथम के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चल जाएगा। प्लीज़ पर्सनल मैसेज करके अगर आपको कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें, ताकि आपके क्वेश्चन को दूसरा कोई भी रिप्लाई भी कर पाए, और अगर मैं रिप्लाई करता हूं तो और भी लोगों को वो आंसर पता चल जाए दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल एंथम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था और किस लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 में, और ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर, आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है पोएम को कंपोज करके नेशनल एंथम लिखा था, जिसमें 5 स्टेंजास थे। जो फर्स्ट स्टेंजा था उसको एज ए नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया था हमारे संविधान के टाइम पे। तो दोस्तों वो जो स्टेंजा गाया गया था उस पर एक्चुअली बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई कि 1911 में जो लिखा गया था तो वो वेलकम करने के लिए गाया गया था। जो जॉर्ज पंचम का आपने नाम सुना होगा कि जॉर्ज पंचम 1911 में इंडिया आए थे, इंडिया के सम्राट भी थे 1910 से लेकर 1936 तक, और वो यूके के किंग थे। तो उनका जब वेलकम हो रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पोएम को लिखा था, और जो गाया था उनकी जो भतीजी हैं सरला देवी चौधरानी, जो उनकी भतीजी हैं, उन्होंने कुछ स्कूली बच्चों के साथ इसको गाया था। पहले ये बंगाली लैंग्वेज में था, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था दोस्तों। उसके जो पहला स्टेंजा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके फिर इसको नेशनल एंथम में, इंडिया के नेशनल एंथम के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। तो जब से हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हर कहीं हर जगह आप जानते हैं जहाँ कहीं भी नेशनल एंथम बजता है, हर जो भी भारतवासी है, जो भी भारत देश का है, भले वो इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर नेशनल एंथम सुन लेता है, उसको ये बात पता है, तो वो वहीं पे एकदम स्टैंड हो जाता है, और 52 सेकंड का नेशनल एंथम होता है। तो 52 सेकंड के लिए वहाँ पे खड़े रह के एक अलग से अपनी रिस्पेक्ट देना होता है उसको। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसमें जो लिखा गया था कि भाई ऐसा है कि ये उनके वेलकम के लिए गाया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1939 में इस बात को क्लियर कर दिया था एक लेटर लिख के कि इस पे जो है जो भी गाना है और जो भी वर्ड्स हैं, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, मतलब कि भारत के भाग्य विधाता। कुछ लोगों ने इसको कंट्रोवर्सी में क्रिएट किया कि जो जॉर्ज पंचम है वो भारत के भाग्य विधाता हैं, जबकि जो भी रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इस बात को क्लियर किया था एक लेटर में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भारत के सौभाग्य के लिए ईश्वर से एक तरह से एक रिक्वेस्ट की जा रही है इस सॉन्ग में। और दोस्तों ये जो नेशनल एंथम गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। और उसके बाद में जब इसको एक्सेप्ट किया गया तो संविधान में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने स्टेटमेंट में ये बात लिखी थी जो कंट्रोवर्सी वाली थी। वो स्टेटमेंट भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं नेट पे सर्च करके, बाकी मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और 1950 को हमारे देश के आज़ाद होने के 3 साल बाद जो है संविधान सभा की बैठक में इस चीज़ को एज ए नेशनल एंथम एडॉप्ट किया था।
जो नेशनल एंथम हिंदी में लिखा गया था, पहले बंगाली में था, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया था, इसको फिर अडॉप्ट किया गया। तब से लेके अब तक हर जगह आप जानते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा, और यूनेस्को द्वारा भी इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट नेशनल एंथम कहा गया है। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला लिया था कि नवंबर 2016 में जितने भी मूवी हॉल हैं, जो मूवी स्टार्ट होंगी उसके पहले नेशनल एंथम ज़रूरी है, और वहाँ पे खड़े हो के आपको पहले नेशनल एंथम सुनना है, साइलेंट होकर उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसके बाद जो है आपको बैठना है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि अगर वहाँ पे नेशनल एंथम ज़रूरी है कि ऐसे ही रिस्पेक्ट देना है, तो नेशनल एंथम क्या यहाँ पे हॉल में एंटरटेनमेंट के लिए लोग जो आते हैं एंटरटेनमेंट की वजह से आते हैं एंटरटेनमेंट करने, वहाँ पे कोई चप्पल पहन के भी आ रहा है, कोई जूते पहन के भी आ रहा है, कोई हाफ पैंट पहन के भी आ रहा है, तो इस तरह से क्या आप रिस्पेक्ट दे पाएंगे? ये कंट्रोवर्सी हुई थी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप सिर्फ गैदरिंग के लिए ही नेशनल एंथम स्टार्ट कर रहे हैं, तो गैदरिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेग्राउंड भी हैं जहाँ पे और बहुत सारी मैरिजेज भी होती हैं, मैरिज सेरेमनी या बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे भी नेशनल एंथम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप अगर इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हर हिंदुस्तानी रिस्पेक्ट दे इसको, तो आप जो है किसी प्रोटेस्ट में और या तो कहीं पर भी कोई ऐसा हंगामा हो रहा है या दंगा हो रहा है, तो वहाँ पर भी नेशनल एंथम लगा दें, स्टार्ट कर दें, ताकि वो शांत हो जाए। तो दोस्तों इस तरह कई सारी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला लिया था कि नेशनल एंथम को जो भी मूवी हॉल जो ऑनर्स हैं, जो भी थिएटर के ऑनर हैं, वो अगर चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट के किसी भी फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी नेशनल एंथम के बारे में ये जानकारी थी। अगर आपको कुछ और जानकारी है तो आप नेशनल एंथम के बारे में नीचे लिख सकते हैं। दोस्तों बाकी आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर करिए दोस्तों में वीडियो को, और लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।